आज यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हमारे जन कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं जो कैथर जिला के सुभाष भट्ट सिकरी जी, पवन ढोल जी जो अपने एडवोकेट जो कानूनी सलाहकार हरियाणा प्रदेश के, इसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश में अगले महीने हर जिले में 1100 पौधे जो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं 2-3 साल से खाप पंचायतें भी और जन कल्याण मंच भी, सबसे पहले तो हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि आए हर उसके कारण जिले में हम जितने हमारे 22-23 जिले हैं सभी जिलों में जाकर इस तरह के 1100 पौधे बढ़िया पौधे लगाएंगे और युवाओं को जो नशे की जो पंजाब से जो नशा फैल रहा है उसके लिए हमें एक कमेटी बना सारे गाँव में इस प्रकार का प्रचार करेंगे ये। और तीसरा प्रस्ताव हमने ये किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसान और जवान के लिए जो काम किए हैं उसका हम जन कल्याण मंच की तरफ से धन्यवाद करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये केंद्र सरकार ने करी है उसमें बढ़ोतरी की जाए कि किसानों को लाभकारी भाव न मिलने से कम किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ा हुआ है, इसलिए किसानों के कार्य में भी जन कल्याण मंच काम कर रहा है। और इसके साथ साथ में जो हरियाणा सरकार ने लेबर के सहकारी श्रम विभाग का जो चेयरमैन बनाया हूँ उसके लिए हम यहाँ दफ्तर में भी हमने अधिकारियों से निरीक्षण किया जाकर काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। और हमारा जो आगे विधानसभा का जो चुनाव आने जा रहा है उसमें हमारा 75 वर्ष का जो टारगेट मुख्यमंत्री ने जो किया है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी है और 75 पार का आंकड़ा पार कर।